दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां जाने के लिए इंडियंस को वीजा नहीं लेना पड़ता। जी हां दोस्तों, और आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं देशों के बारे में बताने वाला हूं। आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप उन देशों में जा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने दिनों के लिए जा सकते हैं और उन मतलब देशों की लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री शामिल है। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20-25-30 कंट्रीज कम से कम शामिल है दोस्तों, जिन कंट्रीज में आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप भी इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं किसी कंट्री में, वीजा के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हां, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हर कंट्री का जो है दोस्तों एक लिमिट सेट किया गया है, हर कंट्री जो है एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको रुकने के लिए देती है। सपोज किसी कंट्री में जाते हो तो 15 दिन का स्टे आपको वीजा फ्री मिलता है, 30 दिन का स्टे आपको वीजा फ्री मिलता है, किसी किसी कंट्री में 90 दिनों का वीजा मतलब फ्री स्टे मिलता है आपको दोस्तों, और किसी कंट्री में जो है कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप वहां जाकर के रुक सकते हैं, रह सकते हैं और जितना समय हो सकता है दोस्तों उतना बिता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको जो है कुछ चीजें प्रूफ करनी पड़ती हैं, जैसे कुछ कंट्रीज में जो है आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ता है दोस्तों, कि जितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं उतने दिनों के खर्चे आपके पास है कि नहीं, तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट दिखाना पड़ेगा या फिर आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे, किसी भी तरीके से आप दिखाओ, ठीक है। अपने मतलब स्पॉन्सर को दिखा सकते हो, जैसे कि अपने पापा के बैंक अकाउंट को दिखा सकते हो, तो इस तरीके से जो है आप वीजा ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपको जो है रिटर्न टिकट दिखानी पड़ती है दोस्तों, जाने की टिकट तो आप दिखाओगे रिक्वायरमेंट्स में, लेकिन आपको जो है रिटर्न टिकट भी दिखानी पड़ती है दोस्तों, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ आपका एक्चुअली में इंटेंट है वापस लौटने का, ठीक है। ये चीजें आपको दिखानी पड़ती है। फिर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन दिखाना पड़ता है कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो कहां रुकोगे, रुकने के लिए जगह तो नहीं चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि आप सड़कों पर भटकने वाले हो, तो आपको जो है पहले से होटल बुकिंग वगैरह करनी पड़ती है, या फिर अगर आप किसी के घर पर रुकने वाले हो तो उनके तरफ से कोई लेटर वगैरह होता है दोस्तों, वो सारी चीजें जो है आपको प्रूफ के तौर पर देनी पड़ती है। साथ ही आपके पासपोर्ट जो है वैलिडिटी अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है पासपोर्ट लगा देते हैं और एक्सपायर होने वाला होता है उनका पासपोर्ट 2 महीने में 3 महीने में, तो इसमें जो है फिर दिक्कत आ सकती है। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी जो है आपके पासपोर्ट में बाकी रहनी चाहिए। अगर ये सारे रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करते हैं दोस्तों, तो आपको आराम से वीजा फ्री ट्रैवल करने का मौका मिलता है। इसमें थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, मॉरिशियस, ऐसी बहुत सारी कंट्री शामिल हैं दोस्तों। मैं पूरी की पूरी लिस्ट आपको बताता हूं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कहां पर जाना है वीजा फ्री घूमने के लिए। अभी देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको फोर्ब्स इंडिया की मतलब पेज पे लेके आ चुका हूं और यहां पर जो है पूरी की पूरी लिस्ट के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे जो कंट्री बताई जा रही है वो है अंगोला। यहां पर आपको 30 दिनों का स्टे मिलता है, वो भी वीजा फ्री। आप मतलब वीजा लिए वहां जाकर के 30 दिनों के लिए रह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आपको रहना है तो आपको जो है वीजा वगैरह लेना पड़ेगा, परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है दोस्तों। उसके बाद बारबाडोस है दोस्तों, उसके बाद भूटान है, उसके बाद डोमिनिका, एल सल्वाडोर, फिजी, गैबन, गैम्बिया, और इन सभी कंट्रीज की अगर आप देखेंगे तो राइट में जो है लिमिटेड टाइम पीरियड दिखाया गया है, ठीक है। भूटान में आप 14 दिनों के लिए रह सकते हैं, बारबाडोस में आप 90 दिनों के लिए रह सकते हैं दोस्तों, डोमिनिका में 180 दिनों के लिए रह सकते हैं, यानी कि 6 महीनों के लिए रह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एल सल्वाडोर में आप 90 दिनों के लिए, फिजी में आप 120 दिनों के लिए रह सकते हैं दोस्तों, यानी कि 4 महीनों के लिए, गैबन में आप 1 महीने के लिए, गैम्बिया में भी आप 1 महीने के लिए, ग्रेनेडा नाम की एक कंट्री है दोस्तों जहां पर आप 90 दिनों के लिए रह सकते हैं, हाइटी नाम की एक कंट्री है दोस्तों जहां आप 90 दिनों के लिए रह सकते हैं, ईरान में भी आप वीजा फ्री जाकर के 15 दिनों के लिए रह सकते हैं, जमैका में आप वीजा फ्री रह सकते हैं, ठीक है। वहां पर कोई लिमिटेड नहीं है टाइम, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है वीजा फ्री, ठीक है। कजाकिस्तान में आप जा सकते हैं 14 दिनों के लिए रह सकते हैं, किरीबाती 90 दिन, मकाओ 30 दिन, मलेशिया 30 दिन, मॉरिशियस 90 दिन, मॉरिशियस में आप जाकर के 3 महीने के लिए मतलब अच्छा एक टाइम स्पेंड करके आ सकते हैं दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार जो है मॉरिशियस क्यों निकल जाते हैं, सिर्फ इसीलिए निकल जाते हैं दोस्तों कि वीजा वगैरह का झंझट नहीं होता है, जब मन किया टिकट ली निकल गए, ठीक है, रिटर्न टिकट ली आ गए, तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। उसके बाद माइक्रोनेशिया करके एक कंट्री है जहां पर 30 दिनों का आपको स्टे मिलता है वीजा फ्री। उसके बाद नेपाल में आप जितना टाइम रहना चाहते हैं उतना टाइम रह सकते हैं दोस्तों। पैलेस्टीनियन टेरिटरीज जो है वहां पर आप वीजा फ्री रह सकते हैं। उसके बाद रुवांडा करके है, वीजा फ्री रह सकते हैं दोस्तों। सेंट किट्स एंड निविस नाम की कंट्री है दोस्तों जहां पर आप 90 दिनों के लिए रह सकते हैं। सेनेगल में आप 90 दिनों के लिए रह सकते हैं। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस है, उसके बाद वहां पर भी आप 90 दिनों के लिए रह सकते हैं। थाईलैंड में आप 30 दिनों के लिए रह सकते हैं दोस्तों। त्रिनिदाद और टोबैगो नाम की कंट्री है दोस्तों जहां पर आप 90 दिनों के लिए रह सकते हैं। और वनुआटू करके एक कंट्री है दोस्तों जहां पर आप 30 दिनों के लिए रह सकते हैं। तो इसमें जो है ज्यादातर क्या मतलब सारी की सारी कंट्रीज जो है बहुत ही छोटी कंट्रीज हैं, जो चाहती हैं कि ज्यादातर वहां लोग पहुंचे, वहां पर ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी के लिए भी फायदा है दोस्तों और आपको भी एक अच्छी जगह घूमने का मौका मिल जाता है वीजा फ्री। तो इसीलिए जो है यहां पर इन लोगों ने जो है वीजा फ्री एंट्री चालू कर रखी है, और ना सिर्फ आप लोगों के लिए
बल्कि बाकी के कंट्रीज वालों के लिए भी, ठीक है। तो इंडिया में थोड़ी जनसंख्या ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा जाते हैं, तो आपको भी अगर इंडिया से बाहर निकलना है, कहीं वेकेशन पे जाना है दोस्तों, तो आप इन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां घूम सकते हैं, जा सकते हैं और वापस इंडिया आ सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको जो है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी जानकारी पाने के लिए जो है हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।